हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं गुजराती रेसिपी जिसका नाम है पात्रा। पात्रा बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए पात्रा में यूज़ होने वाले पत्ते, ये जो मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। सबसे पहले हमें पत्ते को अच्छी तरह धो के नसों निकाल लें। देख सकते हैं हमने कैसे अच्छी तरह पत्ते के नसों को काट के निकाल लिया है। ऐसे सारे पत्ते के नसों को हम अच्छी तरह से काट के निकाल लेंगे। ये नसें इजीली कट जाती हैं। एक एक करके सारे पत्तों को नसे को अच्छी तरह निकाल दीजिए। हमने सारे पत्ते के नसे को निकाल दिया है। अभी हम बनाएंगे इसमें यूज होने वाली सेलक। सेलक बनाने के लिए सबसे पहले हमने दाल में लिया है बेसन। बेसन लेने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे लेमन जूस। ग्रीन चिली जिसको हमने क्रश कर लिया है, ये ऑप्शनल। अगर आपके पास ग्रीन चिली ना हो तो आप रेड चिली पाउडर भी यूज कर सकते हैं। फिर हम इसमें ऐड कर देंगे स्वाद अनुसार नमक, चीनी। अगर आपको मीठा नहीं पसंद है तो आप चीनी को स्किप भी कर सकते हैं। हल्दी पाउडर ऐड कर लेंगे। अभी हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल के इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ज़्यादा पानी का यूज़ ना करें, बैटर नहीं तो हमारा पतला हो जाएगा। अभी देख सकते हैं हमने यहाँ पर हमारी फिलिंग रेडी कर ली है। इसे ज़्यादा मोटा ही रखना है, तो पतला नहीं करना। तो पतला हो गया तो फिर ये पत्तों के साथ बाइंड नहीं होगी, जिससे ये बाहर निकल जाएगा। हमें अपना ये फिलिंग गाढ़ा ही रखना है। अभी हम चम्मच की हेल्प से, आप चाहे तो हाथों से भी इसे पत्ते को अच्छी तरह स्प्रेड कर दीजिए। देख सकते हैं स्क्रीन पर हमने कैसे अच्छी तरह ऐसे फिलिंग को स्प्रेड कर लिया है पत्तों पे। आप पत्तों को ऐसे ऑपोजिट वे ही रख के लगाइए। चार या पांच पत्ते लेंगे, तो ज़्यादा पत्ते हमें नहीं लेने हैं। देख सकते हैं हमने कितनी अच्छी तरह ये बैटर को हमने स्प्रेड कर लिया है पत्तों में अच्छी तरह। अभी इसको अच्छी तरह स्प्रेड करने के बाद इसे हम फोल्ड कर लेंगे, जिससे हमारी फिलिंग बाहर ना निकल जाए। इसे अच्छी तरह से हम इसको फोल्ड करके साइड से इसको अच्छी तरह से गोल गोल करके फोल्ड कर लेंगे। देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह हमने इसको फोल्ड कर लिया है और साइड से अंदर की तरफ प्रेस कर देंगे, जिससे हमारा फिलिंग बाहर ना निकल जाए। अभी हम इसे स्टीम होने देंगे। स्टीम करने के लिए हमने यहाँ पे इडली कुकर का यूज़ किया। अगर आपके पास स्टीमर हो तो आप स्टीमर का भी यूज़ कर सकते हैं। अभी एक एक करके सारा पात्रा हम इसके अंदर रख देंगे और इसे मिनिमम आधे घंटे के लिए हम इसे स्टीम होने देंगे। हमारा पात्रा स्टीम होकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। हम एक माइक डाल के अंदर चेक कर लेंगे कि ये पका है कि नहीं अंदर से। आप देख सकते हैं अंदर से ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। माइक बिल्कुल साफ है। अभी हम एक एक करके सारा पात्रा बाहर निकाल देंगे, इसे थोड़ी देर ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद इसे हम नाइफ की हेल्प से इसे छोटे छोटे पीसेस में हम कट कर लेंगे। पात्रा में कट कर लिया है। अभी इसके अंदर हम तड़का देंगे। तड़का देने के लिए हमने पैन में ऑयल को गर्म कर लिया है और उसमें हमने ऐड किया है राई। अभी डाल देंगे तेल। इसके बाद हम ऐड करेंगे उसमें करी पत्ता, ग्रीन चिलीज,
उसमें ऐड कर देंगे हींग। हम ऐड कर देते हैं पीनट, जिसको हमने क्रश कर लिया है। पूरा क्रश ना करें, थोड़ा ही क्रश करें। ऐड कर देंगे रेड चिली पाउडर। अगर आपको तीखा खाना कम पसंद है तो आप चिली को स्किप भी कर सकते हैं। इसमें ऐड करेंगे हल्दी पाउडर। इसमें ऐड कर देंगे धनिया और जीरा का पाउडर। अभी इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अभी इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट। हमने यहाँ पे कलर, फूड कलर यूज किया है, ये ऑप्शनल है। आप चाहे तो इसका यूज कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। फूड कलर के हमने अंदर इसके अंदर लेमन जूस और शुगर भी डाला है। आप चाहे तो इसे अलग से भी डाल सकते हैं। अभी इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसमें ऐड कर देंगे हम खसखस। अभी इसे हम डाल देंगे पात्रा को। अभी इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह मिक्स कीजिए तो ही ये खाने में स्वादिष्ट लगेगा। आप देख सकते हैं हम इसे अच्छी तरह मिक्स कर रहे हैं। ये मिक्स हो जाए इसके बाद इसे 5-10 मिनट उसे ऐसे ही पैन में रहने दें थोड़ी देर। ये हमारा पात्र बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसके ऊपर हम धनिया डाल के, और गाइस प्लीज मेरे चैनल को फॉलो करना।